बहुत मासूम थी ना, वो जादू करनी थी वो। खबरदार, एक लफ्ज भी हुस्ना के खिलाफ बोला वरना। वरना क्या, थप्पड़ मारेंगे मुझे। मारे मारे। बाबा, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? Then I think, तुम्हें अपनी आदत और पसंद दोनों बदल लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तो किसी के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर सकती। मुझे तो बस ये कि फिक्र खाए चली जा रही। मैं इस दुनिया से चला गया तो तुम दोनों का क्या होगा? तैमूर आज आप ऑफिस नहीं गए? राबिया प्लीज लाइट बंद कर दो। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तुम्हें मेरी तबीयत की परवाह है? मोहब्बत करती हूँ आपसे, इस वजह से फिक्र होती है आपकी। आपकी तरह नहीं हूं कि बीवी नाराज है और आपको मनाने की तौफीक ही नहीं। जब तुम जानती हो कि मुझे गुजरे हुए वक्त का तस्करा पसंद नहीं, तो फिर बार बार हवाला क्यों देती हो रबिया? आपके दिल में चोर है ना, इस वजह से इतना कतराते उसके जिक्र से। फिर शुरू होगी तुम। अच्छा छोड़े, आप ऑफिस नहीं गए तो ऐसा करते हैं कि आपा के चलते हैं लाइबा और हैदर की शादी की बात करने। शादी? इतनी जल्दी शादी? इतनी जल्दी कहाँ है तैमूर, 2 साल हो गए उनकी मंगनी को। देखिए, शादी के मामले में डिले नहीं करना चाहिए, और अब तो माशाल्लाह से हैदर की इतनी अच्छी जॉब लग गई है, बेहतर जॉब लग गई है, तो फिर किस चीज का डिले? तो इसीलिए तुम्हें शादी की फिक्र लग गई है। सुनो राबिया, जब तक लाइबा ग्रेजुएशन नहीं कर लेती, तुम सोचना भी नहीं इस बारे में। मगर तैमूर, प्लीज राबिया, लाइबा मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसकी अधूरी तालीम के साथ उसकी शादी नहीं कर सकता। उसे समझाओ राबिया कि वो भी हैदर की तरह तालीम को सीरियस ले, कुछ करके दिखाए, बन के दिखाए, तो फिर मैं कुछ सोचता हूं। चलिए तुम उसकी शादी करने। कैसे समझाऊं मैंने? बाबा घर आके कितने खुश हैं ना। तुम्हें क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? पहले ये टेंशन थी कि टेस्ट कैसे होंगे, अब ये सोच सोच के दिल घबरा रहा है कि रिपोर्ट में क्या आएगा। पता नहीं, जो मुश्किल गुजर जाती है वो इतनी आसान क्यों हो जाती है, और हर आने वाली मुश्किल इतनी बड़ी क्यों लगने लगती है? जब पता है कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे बेच के पैसे आ सकें, तो फिर क्यों बार बार ये सब निकाल के बैठ जाती है? कर्ज भी तो वापस करना है। मजबूर लोगों का दुनिया फायदा उठाती है ऐसे। मगर अच्छा लड़का है, बिना किसी कर्ज के वो हमारे कितने काम आया है। दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसा मत सोचा करो। अच्छा चलो, अब ये सब समेटो जल्दी से।
आ गया घर का ख्याल? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कहाँ था सारा दिन? हाँ, मैं कितना परेशान हो रही थी, मेरा कोई ख्याल है कि नहीं है? मम्मी इतना गुस्सा क्यों कर रही है, बस थोड़ी सी देर हो गई। तुम आज दोपहर में खाना खाने भी नहीं आए और फोन भी बंद था तुम्हारा। अगर आइंदा तुमने ऐसी हरकत की ना तो मैंने तुम्हारे स्टोर पहुँच जाना है। अच्छा अच्छा, आइंदा ख्याल रखूंगा, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज खाना लगा दे। अरे मैं तुझे बताना ही भूल गई, आज मैंने ना यखनी पुलाव बनाया, जा बाइक पे जाके दही ले आ, जल्दी कर जा। नहीं बाइक तो नहीं है, आप मैं दही के बगैर खा लूं। क्या बाइक नहीं है? साकिब को दी है क्या? वो मैंने बेच दी अम्मी। क्या बाइक बेच दी, लेकिन क्यों? वो दरअसल अम्मी मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई थी, इसलिए बाइक बेच दी। अल्लाह खैर करे, तुझे इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई, सच बता क्या बात है? वो साकिब है ना, साकिब के एक रिश्तेदार हैं, उसके अब्बा हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको पैसों की अशद जरूरत थी तो मैंने सिर्फ उनकी मदद की है। वाह बेटा वाह, अपने आप को तकलीफ पहुंचा के दूसरों की मदद करते फिरो। हाँ अब क्या करोगे, पैदल मारे मारे फिरोगे? ये तो कोई बात नहीं हुई कि अपने घर की चीजें बेच के दूसरों की मदद करोगे। आती अदालत मत लगाए, भूख लगी है, खाना खिला देना, भाई की आ जाएगी। आयशा के बारे में भी नहीं सोचा कि बहन घर में है, ये पैसे उसी के काम आ जाते। अम्मी बस कर दे, हर बात पे मेरा ना रोना रोया करें। अरे देखो तो सही, नवाब साहब क्या हरकत करके आए, बाइक बेचकर आया है ये, ईदी से कम थोड़ी है हातम ताई साहब। अम्मी बाइक ही है, साकिब पैसे देगा तो दोबारा से खरीद दूंगा, किसी की जान से बढ़कर तो नहीं है। हाँ हाँ बेटा, एक काम और करो, इस घर की जितनी भी चीजें हैं ना लोगों की मदद करने के लिए बेच दो। चीजें तो क्या, आयशा का जहेज भी बेच दो। खुदा का वास्ता, हर मसला मेरी शादी पे आके नहीं खत्म होता। तुम जाओ, चलो मैं खाना लगाती हूँ, अपनी औलाद पे भी भरोसा करना। क्या हो गया? अरे बाइक बेचने में कौन सा भरोसा होता है, हर कोई अपनी अपनी कर रहा है और ये इसकी तरफदारी करती रहती है, बस मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। मैं बाबर तनख्वाह के पैसे लेके आ रहा था, कुछ लड़कों ने मेरे पैसे छीन लिए यार। मैं हाथ जोड़ता हूँ यार, मैं कह रहा हूँ ना, मैं दो चार दिन तो दे दो बस। जालिम गुस्से में तो और कयामत ढाती है, अब तक तो बुड्ढे का दिमाग भी ठिकाने आ गया होगा, यही टाइम है सही अपनी बात मनवाने का। आ रही हूँ। तुम फिर से आ गए? मैं अरुण साहब से मिलने के लिए आया। मैं तुम्हें बाबा से नहीं मिलने दूंगी, तुम्हारी वजह से पहले भी मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी। देखो मैं अपने उस दिन के रवैये पे बहुत शर्मिंदा हूँ, अरुण साहब से माफी मांग गया। आयशा बेटा कौन है? मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ बाबर, दिल से माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं 2 महीने का किराया इकट्ठा दे दूंगा। बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी अगर थोड़ी सी मोहलत दे दो। मोहलत भी मिल जाएगी अरुण साहब, चाय तो पिलाइए, आपकी बेटी के हाथ में बहुत जायका है। विमल एक कप चाय ला दो बेटा। जी बाबा ला रही हूं। क्यों जरूरत थी तुम्हें उसे अंदर बुलाने की, बाबा की तबीयत खराब हो गई तो? उसने कहा था कि वो माफी मांगना चाहता है। जो बस चले ना तो इस चाय में जहर मिला के दे दो उसके लिए। अरुण साहब अपनी बेटियों की शादी क्यों नहीं करते आप? अगर कलकला को आपको कुछ हो जाता है तो उनको कौन देखेगा?
जमाना खराब है, आप तो अच्छे तरीके से जानते हैं। मेरे हालात बहुत खराब हैं और बीमार भी हूं मैं, ऐसे में कौन करेगा शादी? अच्छे रिश्ते कहां मिलते हैं? अरुज, अब दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, अपने आसपास नजर दौड़ाइए, कोई ना कोई अच्छा इंसान मिल ही जाएगा। अगर आप कहें तो अपने घर वालों को आपके घर भेज दूं रिश्ता लेने। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है? मेरा कोई भाई नहीं है, मैं तो आपसे अपने रिश्ते भी भाई। अगर आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दें तो ये किराया विराया मैं माफ करूं। और रही बात इस घर के खर्चे की तो वो भी मैं ही उठा लूं। कहीं मैंने अपने दिल की बात कहने में जल्दी तो नहीं करती? पानी क्या सोच रही हो? ये लो, कर दी मैंने तुम्हारी शर्ट प्रेस। अम्मी की नींदें उड़ा के तुम बड़ा मुस्कुरा रहे हो यहाँ पर। आप ही, ये स्माइल तो मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है, और अपनी बहन की तरह थोड़ी हूँ ये हर वक्त मुंह पर 12 बजाकर घूमती रहती है। अच्छा, बात मत घुमाओ, मशकूक लग रहे हो। साफ साफ क्यों नहीं बताते कौन है वो? वो उस दिन मैंने जो आपसे बात की थी वो मजाक था, आपने सीरियस ले ली? कहीं वाकई में तुमने अपनी बाइक बेच के उसको कोई गिफ्ट तो नहीं दिलाया? कौन सी फिल्में देख रही हैं आजकल आप? छुपा लो। अब ये खाली खुली इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी या मुझे नाश्ता भी देंगी? मैंने तो सुना था कि मोहब्बत में भूख खत्म हो जाती है। एक मेरा भाई है, उसका खाना ही नहीं खत्म हो रहा। रहने दे, नहीं करना मुझे नाश्ता। नाश्ता तो उम्मी कराएंगी तुम्हें, वो भी जबरदस्त किस्म का। रात से तुम्हारा वेट कर रही हैं और ऊपर से तुम लेट जा रहे हो। वैसे अगर तुम चाहो तो रास्ता बना लो, फायदे में रहोगे। आगे तुम्हारी मर्जी। पहले वो हाँ तो करते हैं, फिर सबको बताऊंगा। शर्म आनी चाहिए तुम। तुमने ये सोचा भी कैसे? तुम दोनों अंदर जाओ। बाबा, तुमने मेरे खुलूस को गलत रंग दे दिया। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया है कि तुम बेपर्दा फुटपाथ पर रहना चाहोगी तो तुम्हारी मर्जी। अभी मैं मरा नहीं हूं बाबर, और ना ही मेरी बेटियां लावारिस। दिख लो यहां से, तुम जाओ यहां से। मेरे घर से मुझे ही निकाल रहे बड़े मियां। किराया निकालो, किराया। किराया तुम्हारी एजेंसी पहुंच जाएगा, तुम्हारे मुंह पे मारूंगा किराया। अभी फौरन चले जाओ यहां से। ऐसे नखरे वो लोग दिखाते हैं जिनकी अपनी कोई हैसियत होती है। मुझे मेरे घर से ही निकाल रहे, उसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। सुना नहीं तुमने? बाबा ने कहा है दफा हो जाओ यहां से, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी।
चलो ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए 10 दिन की मोहलत देता हूं मैं तुमसे, सोच लो फैसला कर लो, लेकिन अगर 10वें दिन तुम्हारा इनकार आया तो मैं तुम्हारा सामान खुद अपने हाथों से उठा के बाहर भेजूंगा, आई समझ? ठीक है, तो फिर 10 दिन तक तुम भी यहां का रुख मत करना, समझे? ठीक है, आपसे 10 दिन बाद मुलाकात होगी। घटिया शख्स, ये बेइज्जती करके गया हमारी। जिनकी खुद की कोई इज्जत नहीं होती ना, वैसी छोटी हरकतें करते। मगर बाबा प्लीज, आप इस घटिया शख्स की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। मैं ही बेबस और कमजोर हूं बेटा, पर मैं किसमें इतनी हिम्मत हो सकती थी कि मेरे घर में आकर हमारी इस तरह तजलील करना। ऐसी बातें मत करें बाबा, क्या शख्स की बातों पे कोई भी शरीफ इंसान इतना ही बेबस महसूस करता? बाबा आप तो हमारा फख्र है, हम दुनिया के सबसे अच्छे बाबा। आप कमजोर नहीं पड़ सकते बाबा, आप ही तो हमारी ताकत है। आप मुझे खुद से मोहब्बत करने से नहीं रोक सकते, मोहब्बत की है तो फर्ज की तरह निभाऊंगा। मुझे बहुत अफसोस है, आपके वालिद की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक नहीं। क्या मतलब? क्या मतलब है इस बात का? आपके वालिद को ब्रेन ट्यूमर और ये लास्ट स्टेज पर। लाइबा, अरे थैंक गॉड मामा आप आ गई हैं। मैं भी आप ही के पास आ रही थी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। क्या बदतमीजी है, तुम इस तरीके से कैसे मुंह उठा के जा सकती हो? मामा आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? कभी कभार ना बिल्कुल टिपिकल माँ वाला बिहेवियर करती हैं। अब मैं क्या करूँ, अपने हर एक मोमेंट की आपको इन्फॉर्मेशन दूँ कि मैं इधर जा रही हूँ उधर जा रही हूँ? तुम्हारे बाबा बाहर बैठे हैं, उनको पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ तो मैं क्या करूँ, घर में बैठे हुए बोर हो जाती हूँ मामा। तो किसने कहा है कि तुम अपने कमरे में बंद रहो, बाहर आओ, हम भी बाहर बैठे होते हैं, किचन में मेरा हाथ बटाओ, पढ़ाई करो। किचन के काम प्लीज, मुझे किचन के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और स्टडीज में तो बिल्कुल ही नहीं। और आप खाला से बात करें और मेरी शादी की तारीख जल्दी से तय करें। तुम्हें पता है तुम्हारा बाप कभी नहीं मानेगा, वो चाहते हैं कि तुम पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट करो और फिर शादी करो। मामा मुझे स्टडीज कंप्लीट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, I mean, जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया है, अब डिग्री लेके क्या करूं? उन लड़कियों जैसी तो मैं हूं नहीं जो जॉब्स कर करके अपना सारा का सारा जहेज बनाती हैं। By the end of the day, जो आपका है वो मेरा ही तो है। तुम्हें पता है तुम्हारा बाप कभी भी इस बात को नहीं मानेगा। हाँ तो फिर मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ, उन्हीं की तरह जिद्दी और अपनी बात पे कायम रहने वाली। और आप खाला से बात करें और मेरी शादी की तारीख जल्दी तय करें। और बाबा को कैसे हैंडल करना है आपसे बेटर कौन जानता है। जाओ।
परवरदिकार मेरी बच्चियों की हिफाजत फरमा, मेरी सांसें मेरी बच्चियों में अटकी हैं, मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपनी बच्चियों की फर्ज से फारिग हो जाऊं। या अल्लाह, सिर्फ तू जानता है मेरे दिल मेरे घर का हाल, ऐसा सबब बना दे जिससे मेरी बेटियां बाइज्जत बाप के घर से रुखसत हो जाए और ये बूढ़ा नातवां बाप सुकून से अपनी जान तुझे सौंप सके। रहम फरमा दे परवरदिगार, रहम फरमा दे। ये मालिक मकान तो खुलेआम बदमाशी पर उतरा है, उसने ना चार दीवारी ना चादर की फिक्र की। मेरा बस चले, मैं एक लम्हा ना लगाऊं और ये घर छोड़। मेरा भी यही दिल चाहता है, लेकिन दिल के जाने से क्या हो सकता है। हम हालात के हाथों मजबूर हैं और जो लोग हालात के हाथों मजबूर होते हैं उनको बाबर जैसे लोग ही मिलते हैं। खैर, तुमने जो जॉब्स के लिए अप्लाई किया था क्या हुआ, कोई जवाब आया? नहीं, दोनों जगह से कोई जवाब नहीं आया। खैर, वैसे दुनिया सिर्फ बाबर जैसे बुरे लोगों से नहीं भरी, कुछ लोग उमर जैसे अच्छे भी होते हैं। दिलों का हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, हमें क्या पता। जैसा वो दिख रहा है शायद वैसा हो ना। मेरा दिल नहीं मानता है मेरी, बेशक नियतें अल्लाह ही जानता है, लेकिन दिल की गवाही भी तो अल्लाह की तरफ से ही होती है। और वैसे भी उमर को हमसे क्या लालच होता, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। उसने फिर भी बेगर्ज होके हमारी इतनी मदद, अगर उस दिन वो रकम ना देता तो बाबा का टेस्ट हो सकता था क्या? नहीं। वो ये सब कुछ हमारी हमदर्दी में नहीं कर रहा है सर। उसने कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और ये सब कुछ उसने मेरे लिए किया। और ये अब तुम मुझे बता रही हो? क्या करती, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वैसे सच कहूं तो मुझे उमर की आंखों में बहुत अपनायत और सच्चाई नजर आती है। हो सकता है कि वो सच कह रहा हो, उसे तुमसे सच में मोहब्बत हो। क्यों, इतनी खूबसूरत हो तुम, किसी का भी दिल आ जाए। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही थी। मजाक नहीं कर रही हूँ, समझा रही हूँ तुम्हें। आयजा, इस वक्त कौन आ गया? मालिक मकान होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अंकल की खैरियत मालूम करने आया था, क्या मैं मिल सकता हूँ उनसे? बाबा तो सो रहे हैं। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम, आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना प्लीज। मगर बाबा तो सो रहे हैं ना। बाबा जाग गए हैं, आप आइए, आ जाएं। यार तुम्हें ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी बेटा, खुद आ गए थे हमारे लिए यही बहुत था। कल कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? मुझे तो लगा कि आप मुझसे नाराज होंगे, बस इसीलिए। मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा बेटा? अंकल, हॉस्पिटल के बाद मैं आपकी तबीयत पूछने नहीं आया, कॉल तक नहीं की, आप भी न जाने क्या सोचते होंगे। मैं कुछ गलत नहीं सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। आजकल तो अपने सगे रिश्तेदार मुश्किल वक्त में रास्ता बदल लेते हैं, तुमने तो मेरी मदद की। मुझे मालूम है मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं, लेकिन मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए।
अंकल, इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, और आप तो मेरे बुजुर्ग हैं। और यकीन मानिए, मैं यहाँ पे अपने पैसे वापस मांगने नहीं आया, बस मुझे तो खुशी है कि खुदा ने मुझे आपके काम आने की तौफीक दी। खुश रहो बेटा, तुम्हारे माँ बाप ने बड़ी अच्छी तरबियत की है तुम्हारी। मेरे वालिद तो इस दुनिया में नहीं रहे, मगर मेरी वालदा ने मुझे बेहद प्यार से और मोहब्बत से तन्हा पाला, और शुक्रिया। और हमारे लिए खुददार और बाहिम्मत होने की मिसाल बन गई। यूं समझिए कि मैं आपके किसी काम आया, इसमें भी मेरी कोई गर्ज शामिल है। क्या गर्ज? आपको देखता हूं तो मैं वालिद की याद आती है, बस इतनी सी गर्ज शामिल है। अच्छा बेटा, जीते रहो, लेकिन कर्ज बहरहाल कर्ज ही होता है। तो बस एक महीना दे दो, मैं इंशाल्लाह अदा कर दूंगा। अंकल, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। और मुझे याद आया कि आपके टेस्ट की रिपोर्ट आनी है कल। एमआरआई की स्लिप अगर मुझे मिल जाती तो मैं जाकर ले आऊंगा रिपोर्ट्स। नहीं, आप कोई बात नहीं, हम खुद ले आएंगे। अरे आप किधर जाएंगी, आपको तकलीफ होगी। मैं ले आऊंगा। नहीं, आप पहले इतना कुछ कर चुके हैं, कोई इशू नहीं है, मैं खुद ले आऊंगी। अरे बेटा, क्यों जिद कर रही है? दे दो ना रसीद, वो ले आएंगे। जी बाबा। चलिए अंकल, मैं चलता हूँ अब, मुझे एक जरूरी काम है इसलिए देर हो रही है। मैं तो बस आपकी तबीयत पूछने आया था। बेटा चाय तो इत्मीनान से पी लो और वो रसीद ले लो। नहीं, थोड़ा जल्दी में। आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं बस नीचे ही रसीद ले लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। उसको बोलो गेट भी बंद कर दे और रसीद दे दे नीचे उसे। ये लीजिए। लगता है आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा। एहसान उतना करना चाहिए जितना सामने वाले की खुददारी बर्दाश्त कर सके। इसमें एहसान करने की क्या बात है, मैं तो ये सब कुछ अपना फर्ज समझ कर रहा हूँ। किस रिश्ते से? दिल के रिश्ते से। अब दिल के रिश्ते से बड़ा कौन सा रिश्ता हो सकता है? इन बातों को मैं नहीं मानती। ठीक है, मत माने आप, केवल आप मुझे खुद से मोहब्बत करने से नहीं रोक सकते। मोहब्बत की है तो फर्ज की तरह निभाऊंगा, और आपकी खुशी का ख्याल रखना भी मेरा फर्ज है।
आयजा उठो। आयजा मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी क्लास होने वाली है आज, इसीलिए तुम सारा दिन बाबा के पास बैठी थी। उठो उठो। क्या है एमल, मैंने क्या किया है? सोने दो मुझे। क्यों तुमने उसे जबरदस्ती घर में आने दी? मैं टरखा रही थी ना गेट से, मेरी गलती, मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था। बहुत अच्छा किया तुमने मुझे बता के, अब बाकी के सारे मामला मैं खुद संभालूंगी। क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें भी पता ऐसा नहीं हो सकता, हम ये प्यार मोहब्बत अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हमारे पास वैसे ही बड़े मसले। बहुत नेगेटिव सोच रही हूँ मैं, जो गुस्सा आ रहा है यार, ऐसे नहीं होता। उलझो मत, को थोड़ा वक्त दो एमल, और वैसे भी तो हमारे पास सोचने के लिए वक्त ही वक्त, कॉलेज हम जा नहीं सकते और जॉब से भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। जॉब तो खैर अब हम करेंगे, बाबा अब और काम नहीं कर सकते। मैं सुबह बाबा की रिपोर्ट लेने जाऊंगी, तुम बाबा के साथ घर पे रह लेना। आज तक मैंने तुम्हें कहीं अकेले जाने दिया है क्या? तुम्हारे साथ जाऊंगी और इंशाल्लाह रिपोर्ट सच्ची ही आएगी। ठीक है। सच कहूं तो मुझे हैदर और लाइबा की रोज रोज की लड़ाई से डर लगने लगा है। आप बात समझ रही है ना, और वैसे भी मम्मी की कोई शरई हैसियत तो है नहीं। क्या कहना चाहती हो, खुल के बात करो। आप मैं लाइबा और हैदर की शादी की बात कर रही हूँ। तुमने मेरे दिल की बात कह दी है राबिया, लेकिन तुम्हें पता है ना, हैदर बस अपना करियर बनाने में लगा हुआ है, कहता है फोकस ना खराब हो जाए। तो आपा, आप उसे अपनी ममता का वास्ता दें, किसी तरीके से अपनी बात मनवाएं। और वैसे भी मुझे तो हैदर के मिजाज रोज बदलते नजर आ रहे हैं। अब आप, अगर ये मंगनी टूटी ना तो रिश्ते खराब होंगे, ख्वाब टूटेंगे, और वैसे भी मेरा आपके सिवा दुनिया में कौन है? और तैमूर का दिमाग तो अलग ही खराब हो रहा है। क्यों, तैमूर को क्या हुआ? बुढ़ापे में उनको अपनी पहली बीवी याद आ रही है, रोज हुस्ना के ख्वाब देखते हैं। है? वो कहां से जिंदा हो गई अचानक? वो मरी कब थी आपा, हमारी जिंदगी से तो दफा हो गई, लेकिन तैमूर के दिमाग से नहीं। राबिया तुम ना तैमूर के साथ अपना रवैया दुरुस्त करो, इस उम्र में मर्द को अपनी बीवी की बहुत जरूरत होती है। खैर बाबर की कोई खैर खबर ली? बाबर की क्या खबर? ये दूसरी शादी के चक्करों में पड़ा हुआ है, पूरे खानदान में हमें रुसवा करेगा। उसको समझाओ, उसको समझाओ कि फरहत को वापस लेके आए मना के। खैर फरत तो मुझे भी एक आंख नहीं भाती, लेकिन ये दूसरी शादी का चक्कर कहां से आ गया? वैसे भी तैमूर इतना खफा रहते हैं बाबर से, आप बाबर को छोड़े, हैदर से बात करें ताकि हम तैयारियां करें। करती हूँ मैं, करती हूँ। तुम चाय तो पियो ना, खत्म करो। लड़की नहीं फुलझड़ी है वो, मेरे ख्वाबों की जीती जागती ताबीर है वो। क्या फायदा, उसका बूढ़ा बाप तो तेरे दबाव में आ नहीं रहा, अब क्या करेगा तू? मैं बहुत कमीना इंसान हूं, माफ करना मेरी फितरत में नहीं, जब तक बदला ना ले लूं मुझे सुकून नहीं मिलता। बदला?
क्या मतलब है तेरा? वो लड़की मेरी जिद बन चुकी है, उसके बूढ़े बाप को इज्जत रास नहीं आ रही। अब मैं अपने तरीके इस्तेमाल करूंगा। साफ साफ बता, करना क्या चाह रहा है तू? ये जो गरीब लोग होते हैं ना, इनका होड़ना बिछोड़ना सिर्फ उनकी इज्जत होती है। एक बार इज्जत की चादर उनके सर से हटा दो, फट से मर जाते हैं। उस लड़की को इतना बदनाम कर दूंगा कि उसका बाप हाथ पैर जोड़ेगा मेरे सामने रिश्ते के लिए। आपके साथ कोई और नहीं है? मेरा मतलब कोई बड़ा? नहीं, बस हम दोनों ही हैं। अच्छा, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपने हिम्मत और हौसले के साथ सुननी है। आई एम सॉरी, मगर मैं ये बात आप लोगों से छुपा नहीं सकता। मुझे बहुत अफसोस है, आपके वालिद की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक नहीं। क्या मतलब? क्या मतलब है इस बात का? आपके वालिद को ब्रेन ट्यूमर और ये लास्ट स्टेज पर। डॉक्टर साहब, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, आपको चलना पड़ेगा। जी अभी आ रहा। मैं नहीं मानती इन रिपोर्ट्स को। तुम रो नहीं आजा, हम बाबा को बड़े हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वहाँ से उनका टेस्ट कराएंगे, फिर देखना कि ये झूठी रिपोर्ट का हशर करूँगी मैं। रिपोर्ट झूठी नहीं है, हमारी किस्मत ही खोटी है। किसी को हमारे पास ये क्या है? अल्लाह ने ऐसा क्यों किया है हमारे साथ?